टू एवरीवन एक मिनट मैं लाइट जलाती हूँ। जी। और आज का सेशन हमारे शक्ति कैंप में हमारी शक्तियों के लिए, और ये खास प्रोग्राम क्योंकि हमारे शक्तियों को समर्पित है, तो उन्हीं के विषय में हमारी जो फीमेल, आज का जो लेक्चर का विषय है कि फीमेल डिसऑर्डर्स जो हैं, व्हाट आर देयर कॉजेस एंड व्हाट इज द क्योर, सो उसी पर हम जो है चर्चा करेंगे। और सबसे पहली बात के आज के जो आधुनिक युग में जो फीमेल डिसऑर्डर्स है वो उनकी संख्या जो है बढ़ती जा रही है। एक जमाना था हम घर में हमारी मदर्स को देखते थे, नानी इत्यादि दादी को, कि वो कभी बीमार नहीं होती थी, ऋतुचर्या का ध्यान रखती थी, व्रत व्रतों का और क्या कहते हैं खान पान का ध्यान, और पर्वों में जो है कौन सी ऋतु में क्या खाना है इसका बड़ा विशेष ख्याल रखते थे ये लोग, और यानी के प्रकृति के साथ मिलके चलते थे, तो बहुत ज्यादा बीमारियां नहीं होती थी। और डिलीवरीज इत्यादि में भी आजकल जैसे कि बहुत डॉक्टर के संरक्षण में हम लोग कितने सिजेरियंस, अननेसेसरी सिजेरियंस होते हैं, जिससे कि फीमेल बॉडी बहुत ज्यादा जो है उसमें बहुत सारी और भी खराबियां आ जाती हैं। और अगर हम यही गांवों की महिलाएं और अगर शहरों की महिलाओं में भी तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि शहरों के जो अर्बन जो फीमेल्स हैं दे आर मोर प्रोन टू वेरियस एलिमेंट्स, और इनका जो कारण है वो लाइफस्टाइल ही है। दे आर लीडिंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। आपके घरों में कई कई नौकर हैं जो फिजिकल एफर्ट हम नहीं करते, तो सारा जो है काम हम हमारे साथ हेल्पिंग के लिए हेल्पर्स होते हैं, तो एक सिडेंटरी लाइफ हो जाती है और आपका मूवमेंट बड़ा कम होता है, और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है। व्यायाम को तो आप भूल ही जाइए। कितनी महिलाएं हैं, अगर हम अपनी मदर्स की चर्चा करें या आज की भी महिलाओं की चर्चा करें, तो वो कहेंगी कि हमें तो समय ही नहीं मिलता घर के काम से, पति की देखभाल, बच्चों का और घर को देखने में, कहते हैं हमारी तो एक्सरसाइज ऐसे ही हो जाती है, बट वो एक्सरसाइज वास्तव में वो व्यायाम और योगासन और प्राणायाम और मेडिटेशन जो एक महिला को रेगुलर नियमित तौर से करना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, और उस पर, और जिसे कहते हैं कि एक तो ये सब लाइफस्टाइल के जो आदतें हैं उसके ऊपर जो है हार्मफुल मेडिसिंस का इनटेक, बरसों से कई कई चीजों के लिए जो महिलाएं हैं वो मेडिसिंस लगातार लेती रहती हैं, और चाहे वो फ्रॉम अ वेरी स्मॉल कफ कोल्ड से लेके हेडेक, माइग्रेन या कोई जॉइंट पेन, पेन किलर्स बहुत ज्यादा, पॉपिंग द पिल, जैसे ही कुछ सुबह उठ के उनको लगा कि तबीयत ठीक नहीं है, जस्ट दे विल पॉप इन द पिल के भाई अब उनके चले बगैर घर नहीं चलेगा, तो इसीलिए एक गोली खाओ और काम पे लगो। तो ये सब जो है बहुत सारे कारण जो है वो, और फिर महिलाएं जो है दे आर ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल, उनकी सेंसिटिविटी लेवल जो है इट्स फार फार मोर देन द मेन, सो दे आर वेरी सेंसिटिव टू इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स, दे टेक थिंग्स टू देयर हार्ट, सो ये सब मिलकर इमोशनल जो है भावुकता भी है और वो स्ट्रेस क्रिएट करता है, और फिर जो है बहुत सारी बीमारियां, अक्सर हम जो है डॉक्टर्स कहते हैं कि इनको चिंता बहुत रहती है या बहुत सोचती हैं ये महिलाएं, इसीलिए भी रोग का कारण इन सब के चलते मेंसुरेशन में मेडिसिंस का प्रयोग, और ये जो मेडिसिंस हम जो नियमित मासिक धर्म के दौरान मेडिसिन लेते हैं वो भी हमारे यूट्रस पे, ओवरीज पर और हमारे जितने भी जनांग है उनमें जो है दिक्कतें आगे चल के पैदा होती हैं। और सबसे बड़ी बात के फीमेल्स आज भी, चाहे कितने हम आधुनिक और विकसित समाज में रह रहे हैं, पढ़ा लिखा समाज है, पढ़ी लिखी औरतें हैं, काम भी करती हैं बाहर भी, लेकिन जो सपोर्ट
उनको अपने मेल काउंटर पार्ट से मिलना चाहिए। वो अक्सर अभी वो लेवल नहीं आया है कि वो उतना सपोर्ट, इससे मेरे साथ मेरी बहुत सारी शक्तियां जो है एग्री करेंगी कि उतना सपोर्ट जो है अभी भी जो है लैकिंग है। तो वो भी एक कारण हो जाता है लैक ऑफ सपोर्ट, या वो चाहे वो फिजिकल सपोर्ट हो चाहे इमोशनल सपोर्ट हो, तो दैट इज ऑल्सो अ मेजर कॉज जो कि सबको, परिवार के अन्य सब सदस्यों को इस बात को समझना चाहिए। तो इन बातों को जो है ये कारण है आज की महिला के, और आज की महिला पर आज की जो शक्ति है उसे न केवल घर का दायित्व संभालना है, वो तो उसका दायित्व है ही, उसे बाहर भी काम करना है, तो उसे दुगनी शक्ति की जरूरत है। तो उस शक्ति को जो है बरकरार रखने के लिए और स्वयं का ख्याल रखने के लिए, ये तो कारण हो गए बीमारियों के इन इन कारणों से उनका जो है स्वास्थ्य जो है निरंतर गिरता रहता है। तो किन तीन मुख्य बातें जो मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी फीमेल हेल्थ पे, के सबसे पहली बात के जो फीमेल जेनिटेलिया है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। मेन और विमेन के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मच मोर कॉम्प्लेक्स और इट इज वेरी डेलिकेट। तो हम जो भी इन्वेसिव सर्जरी या प्रोसीजर्स या कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो जिसकी वजह से सर्जरी इत्यादि पे हमें जो है करवाना पड़ता है, तो उससे जो है हमारे जो जननांग है, जो हमारे जेनिटल्स है, वो बहुत डेलिकेट होते हैं, तो उससे उन पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ज्यादा से ज्यादा जो है फीमेल्स को जो है इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स और सर्जरीज, इनसे थोड़ा सा जितना हो सके पहले नेचुरल तरीके से ही, नेचुरल पद्धति से ही अपने उपचार करने का तरीका खोजना चाहिए। और याद रखिए, राइट फ्रॉम कफ कोल्ड टू कैंसर, आप विदाउट मेडिसिन मैनेज कर सकते हैं। अब तो साइंस और रिसर्चेस यही बताती है कि हमारी जो बॉडी की अपनी हीलिंग कैपेसिटी जो है इतनी ज्यादा है, हमारे भीतर के सेल्स जो हैं, जैसे फास्टिंग करने पे 24 घंटे अगर हम फास्टिंग रखते हैं बिना पानी के और भोजन के, तो हमारे जो हेल्दी सेल्स हैं वो कैंसर सेल्स तक तो भी को भी मार गिराते हैं। तो कफ कोल्ड हेडेक, ये तो बहुत ही मामूली बात है। तो यानी कि हमें ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन और सर्जरीज और इन सब से, इनका रास्ता जो है जब तक बहुत अधिक दिक्कत ना हो तो हमें नहीं अपनाना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे ऑर्गेन्स है, चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है, हर ऑर्गेन का कनेक्शन जो है उसका प्रभाव एक दूसरे पे पड़ता है। जैसे कि हमारे जो जेनिटल्स है, हमारा जो यूट्रस है, वो सीधा बड़ी आंत के नीचे और छोटी आंत के सामने है। अब यदि कोई महिला अगर कब्ज से ग्रसित रहती है और उसका जो है खान पान का तरीका सही नहीं है, गैस बनती है, वायु बनती है, तो उससे जो उसका जो प्रेशर है उसकी पेट की गड़बड़ियों के कारण उसका प्रभाव उसके यूट्रस पर पड़ता है। और विद एज हम ये पाते हैं कि कई फीमेल्स में यूट्रस प्रोलैप्स, यानी के यूट्रस का, गर्भाशय का अपने स्थान से टल जाना, वो इसीलिए होता है कि बहुत सारी अन्य पाचन तंत्र की जो बीमारियां हैं उससे महिलाएं पीड़ित होती है, जिसका कि इफेक्ट आपके जेनिटल्स पे भी पड़ता है। तो याद रखिए कि आपकी बॉडी, आपके सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम्स सब दुरुस्त रहने चाहिए, चाहे वो पाचन तंत्र है, चाहे वो श्वसन तंत्र है, चाहे वो सर्कुलेटरी हार्ट है, क्योंकि एक दूसरे पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं हर बार ये कहती हूँ कि अपने पाचन तंत्र को सबसे पहले दुरुस्त कीजिए, और उसके लिए हमने कटी स्नान है, लपेट है, बहुत सारी मोडालिटीज की बात की है, डाइट में रिफॉर्म आपको करना है। तीसरी बात जो है, मैं इसमें एक और, जैसे मैंने कहा कि तीन महत्वपूर्ण बातें हैं कि हर मंथ, ये तीनों बातें यंगर जनरेशन को भी समझने की जरूरत है कि
पहली बात जैसे मैंने कहा कि फीमेल जेनिटल ऑर्गेन्स बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही सेंसिटिव सिस्टम है, तो उसके साथ अननेसेसरी छेड़छाड़ अगर आप एट अ यंग एज अगर फीमेल्स कराती हैं तो वो आगे चलकर बहुत सारी भयंकर बीमारियों का परिणाम भुगतना पड़ता है। दूसरी बात मैंने ये बताई कि आपके सभी ऑर्गेन्स का प्रभाव एक दूसरे से, जस्ट गिव मी 2 मिनट, सर का फोन आ रहा है। हेलो हाँ जी सर। हाँ सर बिल्कुल, लोकल स्टीम इज मोर इफेक्टिव। वैसे वो गर्म पानी की बोतल भी रख सकते। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ मैम, अनम्यूट। जी क्षमा चाहती हूँ मैं, रुकावट के लिए खेद है, हमारे डायरेक्टर सर का फोन आ गया था तो उनको कई सीरियस पेशेंट थे उसके लिए वो रेमेडी पूछ रहे थे तो मुझे बताना पड़ा। तो हम ये बात कर रहे थे तो
तीन बातें मुख्य बातें फीमेल हेल्थ के लिए कि हमारा जो है निर्मला जी आ गई, बहुत बहुत स्वागत है आपका और तबीयत आपकी ठीक रहे, सभी से हम यही ईश्वर से कामना करते हैं, अपना जो है मनोबल बनाए रखें। और तो हमने जो आजकल महिलाओं में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि ये बात समझने की है, स्पेशली यंगर जनरेशन को समझने की है कि हमारा जो फीमेल जो ऑर्गन्स है बहुत डेलिकेट हैं, उसमें सर्जरी और इन्वेसिव बाहर से जितना छेड़छाड़ कम करें उतना लॉन्ग रन तक ज्यादा वो व्यवस्थित और स्वस्थ रहेंगे। दूसरी बात मैंने कहा कि सभी ऑर्गन्स जो है, जैसे हमारा गर्भाशय है वो हमारे बड़ी आंत के नीचे और छोटी आंत के सामने आगे पड़ता है, तो यदि हमारे पाचन तंत्र में खराबी है, अगर कोई कब्ज जिस महिला के है और अगर उसके खान पान का तरीका ठीक नहीं है, उसको गैस बनती है, तो उसका जो प्रेशर है वो उसके गर्भाशय पे पड़ता है। और वर्षों अगर जो है अगर हम पाचन तंत्र की तरफ अपने खान पान की तरफ नहीं ध्यान देते तो हमारा यो बीमारी यूट्रस प्रोलैप्स जैसे हो जाता है कि अपनी जगह से गर्भाशय टल जाता है, तो ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है फीमेल डिसऑर्डर्स में जो ध्यान रखने वाली है कि हर मंथ हमारी प्रकृति इतनी दिव्य है कि वो निरंतर हमारे शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन मासिक धर्म के रूप में हमारा जो है हमारी बॉडी कार्य करती है, लेकिन मोर देन 60% ऑफ द फीमेल्स आजकल स्पेशली यंगर जनरेशन के लिए मैं बात कर रही हूँ कि उनका मेंसुरेशन साइकिल ही नॉर्मली नहीं होता, वो उसमें जो है पीरियड जो है कहीं इरेटिक हो जाते हैं, कभी जो है आजकल पीसीओडी के चलते बहुत बहुत गैप आ जाता है, और कई बार पेन के चलते जो है यंग फीमेल्स तुरंत लाभान्वित जैसे के होने के लिए, उनकी गलती नहीं है, अब कोई फीमेल है पीरियड्स में उनकी बहुत ज्यादा जो है दिक्कत होती है, तो उसको सप्रेस करने के लिए सिम्टम्स को उन्हें मेडिसिन खानी पड़ती है, तो ये जो ट्रीटमेंट होता है जो दवाइयों का हम सहारा लेते हैं उससे हमारे जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन द लॉन्ग रन ये पॉइजन इकट्ठे होते रहते हैं और बहुत सारी आगे चलकर बीमारियों का न्योता देते हैं, तो इन सब से हमें जो है बचना है। अब इसका इलाज क्या है? इलाज का जो है सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमारी डाइट ऐसी हो, जैसे मैंने कहा कि कब्ज नहीं होनी चाहिए किसी को भी, जो कब्ज है कॉन्स्टिपेशन है वो हमारे शरीर में जिसे कहते हैं रोगों की जननी है, तो कब्ज मत होने दीजिए, अपने कॉन्स्टिपेशन पेट का बाउल मूवमेंट आपका क्लियर होना चाहिए डेली, उसके लिए आपको डाइट जो है अपना मोर देन 60% आप जो है रॉ डाइट खाइए, जिनको गैस बनती है कच्ची सब्जी से वो सूप पिए, और ज्यादा से ज्यादा उनका जो है पेट जो है आजकल हरी पत्तियां आ रही है, जरूरी नहीं है कि आप कच्ची पत्तियों का जूस पिए, पालक टमाटर गाजर का आप उसको बॉयल करके, जैसे मैंने बताया था कि 500 ग्राम पालक 250 ग्राम गाजर 250 ग्राम शलजम उसकी पत्ती समेत, उसमें जो है 50-60 ग्राम धनिया की पत्ती और 10 ग्राम अदरक डाल के, और आप कच्ची हल्दी भी है वो भी डाल सकते हैं, और जो लोग लहसुन खाते हैं तो वो भी उसकी जो है वो डाल सकते हैं, हरा लहसुन जो अब आ रहा है सर्दियों में बहुत इफेक्टिव है, थोड़ा सा वो भी डालेंगे तो बहुत ही ये नेचुरल जो है मेडिसिनल सूप बनेगा, और जिनके जॉइंट पेन्स वगैरह में है तो वो ड्रमस्टिक्स का सूप पिए, सहजन की जो फली होती है वो जोड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है, तो वो भी बॉइलिंग जब आप सब्जियां बॉइल कर रहे हैं सूप के लिए तो उसमें जो है ड्रमस्टिक्स भी जरूर डालें, तो इस तरह से रेगुलर सूप से आपका जो है पेट साफ होगा, नंबर वन बात, तो पेट साफ होगा कब्ज नहीं रहेगा, तो आपके जो है बहुत सारे जो है रोगों से आपको निजात मिल जाएगी। आपको भोजन में एक फीमेल के शरीर में खून की कमी हेमोग्लोबिन वो कभी कम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हर महीने जो स्राव हो रहा होता है तो उसकी भरपाई करने के लिए हमारा जो फीमेल हेमोग्लोबिन कम से कम 11 से 14 रहना ही चाहिए, और उसके लिए नियमित तौर पर आप जो है दो अंजीर 5 मुनक्के
ये भिगो के उसका पानी पीजिए, मुनक्के का बीज निकाल के उसको खाइए। इससे क्या होगा, जिनका लो ब्लड प्रेशर है, जिनको कमजोरी से चक्कर आते हैं, जिनका पेट कब्ज इत्यादि बीमारियों से, और ये अंजीर में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मुनक्के में आपके हेमोग्लोबिन और अच्छा खून बनाने की क्षमता है, तो वो आप 10 तक भी आप खा सकते हैं, और 2 अंजीर इसको नियमित अपनी दिनचर्या में आप उसको बना सकते हैं। बस के आप डायबिटिक नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये मीठे होते हैं, उसका पानी पिए और रेगुलर जो है, इससे आपका जो है आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो फीमेल्स को खून की कमी नहीं होनी चाहिए, खून की कमी दूर करने के लिए आप ये खाइए। साथ में आप जो है बाकी जो आयरन रिच फूड्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, इन सब का भी सेवन करें। खजूर हैं, जो ब्लैक डेट्स आजकल सर्दियों में है, तो आप खजूर लेके उसमें जो है तिल और भुनी हुई मूंगफली उसको ग्राइंड करके आप उसके लड्डू भी बना सकते हैं। केवल खजूर, मूंगफली रोस्टेड और तिल, उसको अच्छे से बांध के और वो सर्दियों में खाइए, तो आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी ये नहीं होगी। और उसके बाद आपको बहुत ज्यादा, चाहे कैसा भी परिस्थिति हो, बहुत ज्यादा मन में स्ट्रेस नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना है। ये हमारी फीमेल्स की प्रकृति है कि हम लोग स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, तो हमें क्या करना है, ध्यान अवश्य करें। देखिए निर्मला जी, रात्रि का भी ध्यान है और आप ज्वाइन कर सकते हैं, सभी लोगों से मैं कहूंगी, और 12 से 1 तो मंत्र साधना भी है आप, क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं होती तो मन कुछ अच्छा नहीं लगता, तो उस समय पर आप कोई ना कोई हमारे सेशन से जुड़ जाइए, तो उससे बहुत लाभ होगा आपका। जब तक मन शांत नहीं होगा, किसी भी बीमारी में आपका रोग आपके शरीर से नहीं जाएगा। तो सबसे पहले मन शांत करने के लिए रात को भी आप, हमारा जो है अध्यास साधना केंद्र रेगुलर मेडिटेशन कराता है, आप वो भी करिए, और बीज मंत्र का भी क्लास 12 से 1 होता है, तो इनका ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होए इसका। और इसके बाद जो है हमारे जो वस्त्र हैं, जैसे बहुत टाइट हम लोग जब यंग लड़कियां जीन्स पहनती हैं, या बहुत टाइट अगर हम पेटीकोट या साड़ी या अगर उस जगह पर हम बांधते हैं, उससे भी हमारे जो जेनिटल्स हैं वहां पर जो है उसमें बहुत ज्यादा विकार आ जाते हैं, वहां पर जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है कमर के आसपास जो है वो हैम्पर होता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। कोई भी बीमारी हो, मैं कहती हूँ कफ कोल्ड से लेके कैंसर तक, यदि आपको किसी प्रकार की पेट की अगर दिक्कत आ रही है, सिर दर्द हो रहा है, कोई भी एक्यूट इलनेस आ रही है, मान लीजिए सर्दी जुकाम है, मान लीजिए आपको कफ कोल्ड है, मान लीजिए हल्का सा फीवरिश लग रहा है, तुरंत आपका क्या काम है, आप 3 दिन रसार पे आ जाइए। रस आहार, रस आहार का मतलब है कि आप 3 दिन का लिक्विड डाइट का प्रोटोकॉल अपनाइए। पहले दिन आपने क्या करना है, आप जो है 6-7 ग्लास आप मौसमी, संतरा या कोई भी रसीले फल का जूस पी सकते हैं, और 6-7 ग्लास आप नारियल पानी, और कुछ ना खाएं। यदि आप 1 दिन अगर खाली यही डाइट रखते हैं, आप जो है 6-7 ग्लास आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद मौसमी संतरा इत्यादि का जूस पी लिया, नारियल पानी पी लिया, दूसरे दिन आपने जो है सारा दिन में 4 ग्लास आपने संतरा मौसमी का जूस पिया और 4 ग्लास आपने नारियल पानी पिया, और रात को थोड़ा सा खीरा टमाटर, एक दो खीरे, 1-2 टमाटर खा के बस रह गए, आप देखेंगे तीसरे दिन आपकी कोई भी समस्या हो, चाहे वो पेट संबंधित हो, चाहे वो आपके बदन में दर्द फीवरिश फील कर रहे हो, या फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, तो यदि आप ये प्रोटोकॉल 3 दिन का आप सॉलिड रोटी सब्जी और जो सामान्य आहार है आप उसको छोड़ दीजिए, और सीधा आप जो है रस आहार कीजिए, जिस तरह से मैंने बताया है, नारियल पानी और संतरे मौसमी का जूस और इस तरह से। और जब तीसरा दिन होगा तो तीसरे दिन 12 बजे तक आप 2 ग्लास संतरे का जूस या मौसमी का जूस, पाइनएप्पल जूस कुछ भी ले सकते हैं, लेमन वाटर भी ले सकते हैं,
और उसके बाद आप लंच में आप खीरा टमाटर लीजिए, वही एक दो खीरे एक दो टमाटर, और रात तक आप पाएंगे कि आपकी तबीयत इतनी अच्छी हो गई कि आप बहुत बेहतर फील करेंगे, क्योंकि आपने आपकी जो जीवनी शक्ति थी, जो हीलिंग पावर थी, आपने खाना ना खाकर उस जीवनी शक्ति के जो रोग मुक्ति अभियान में आपने अड़चन नहीं अड़ाई बल्कि आपने उसका सहयोग किया, तो आपकी हीलिंग फास्टर होगी। इसके साथ साथ अगर कोई एनीमा लेना जानते हैं घर पे तो वो एनीमा ले ले और लपेट बांधे, इस तरह से यदि आप करेंगे तो कोई भी परेशानी क्यों ना हो। अभी रिसेंटली हमारे लास्ट एक कैंप में, शक्ति कैंप में ही हमारे एक पेशेंट थी जिन्हें कैंसर की शिकायत थी और बहुत ज्यादा कीमोथेरेपी इत्यादि लेके वो बहुत, उनका जो डे टू डे लाइफ थी वो बहुत अनकंफर्टेबल थी। आप लोग जानते ही हैं कीमोथेरेपी और बहुत सारी मेडिकेशन से उनका पूरा पाचन तंत्र अस्त व्यस्त हो गया था और उनको जो है भूख नहीं लगती थी, स्ट्रेस ज्यादा रहता, तो उन्होंने यही मार्ग अपनाया भोजन का, प्राकृतिक चिकित्सा का। प्राकृतिक भोजन खाया, फिर प्राकृतिक चिकित्सा की मैंने उनको कटी स्नान और लपेट बताए, उससे उनको जो है बहुत फायदा हुआ, क्योंकि जब आप बरसों मेडिसिन्स खाते हैं तो मेडिसिन्स की जो गर्मी है वो आपके भीतर एक्यूमुलेट होती जाती है, तो जब आप ये हाइड्रोथेरेपी की लपेट या कटी स्नान ये सब उपाय करते हैं तो उससे आपको फिर जो है बहुत लाभ होता है। तो इन्हीं सब तरीकों से आपको जो है, और फिर जो मैंने हमारे जो कुदरत के तत्व हैं, मान लीजिए कि आपने भोजन में भी आप अपना सुधार किया, ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां इत्यादि खाई, पका हुआ भोजन, जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती तो हमें कुक्ड फूड जो है कम खाना है, रॉ ज्यादा खाना है। हाँ, रॉ से अगर जिसकी गैस बनती है वो हल्का सा स्टीम कुक कर ले, और सुबह अगर आप बाहर जा सकते हैं पार्क में तो बाहर जाइए, आप वायु स्नान करें, लंबी गहरी सांस लें, क्योंकि ये जो कुदरत का टॉनिक है वो आपकी जीवनी शक्ति को, प्राण ऊर्जा को और ज्यादा बेहतर करेगा, और आपकी जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यूनिटी है वो बढ़ेगी। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते, आप बालकनी में या खिड़की में आप बैठ के लंबी गहरी सुबह सुबह जो है लीजिए, साथ साथ पानी का प्रयोग करें। पानी जो है मैं सभी को कहती हूँ, अब सर्दी है तो क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी नेचुरली, लेकिन फिर भी जो है 1.5-2 लीटर कोशिश करें, सुबह होते ही अपने पास 2 बोतलें तैयार करके रखें ताकि आपको पता रहे कि सारा दिन में आपने कितना पानी पिया है, और गुनगुना पी सकते हैं जिन्हें अगर सादा पानी ज्यादा ठंडा लगता है आजकल के मौसम में, और फिर उसके बाद रेगुलर डोसेज ऑफ सनशाइन। सूर्य में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि हमारा अगर रेगुलर अभ्यास, यदि हम सूर्य की रोशनी में डेली 30 मिनट्स बैठ जाएं, हमारी मोर देन 90% ऑफ द एलिमेंट्स दे विल बी क्योर्ड। कैन यू बिलीव इट कि कुदरत के ये टॉनिक्स का अगर हम इस्तेमाल दवाइयों से ज्यादा करें तो हम ज्यादा अच्छे से ज्यादा जल्दी बेहतर हो पाएंगे। अब निर्मला जी, आपके जो थायराइड की समस्या निकली है, तो थायराइड के लिए आप गले की इतनी पतली पट्टी बना लीजिए, जैसी ठंडी गर्म पट्टी हमने पेट की बनाई है, ऐसी ही इतनी चौड़ी पट्टी जो है आप कॉटन की बना लीजिए, जो 2-3 लपेट आपके गले पर आ जाएं, और ऐसे ही आप मफलर ले सकते हैं, गर्म मफलर तो हो गई घर में, उसको आप लपेट सकते हैं। तो ये आप रेगुलर जो है, अगर आपकी थायराइड की समस्या है, जिनके भी थायराइड की समस्या फीमेल्स को अक्सर होती है, तो वो गले की लपेट बांधनी शुरू कर दे नंबर 1, और नमक के पानी के गार्गल्स करें, और सिंगाड़ा के मौसम में सिंगाड़े खूब खाएं। सिंगाड़ा उसको आप हल्का सा एक सीटी आप प्रेशर कुकर में सीटी लगा के, और फिर उसको निकाल के उस पे चाट मसाला नींबू डाल के एज अ स्नैक खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, अगर जो लोग कच्चा नहीं खा सकते। तो इस तरह से आप नेचुरल तरीके से, आप आपकी जो टेस्टिंग अभी हुई है
और उसके बाद आप कुछ दिन बाद अगर ये सब करके फिर टेस्टिंग कराएंगे तो आपका थायराइड का लेवल नॉर्मल आएगा। और सबसे बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि डर किस बात का, मरना तो एक दिन सबने है, हर दिन क्यों मरे, हर दिन क्यों डरे। तो इसीलिए खुश रहने का प्रयास करें। अगर मन शांत नहीं हो रहा, तुरंत बैठ के, जैसे ही मन शांत हो आपका, तुरंत आप बैठ के आंखें बंद करके एक कोना पकड़ लीजिए। घर में अगर कोई जगह नहीं मिलती है, मैं कहती हूँ टॉयलेट में जाके बैठ जाइए अगर घर में सब लोग हैं, और अपना जो है सांस को वॉच कीजिए। इसे कहते हैं सहज प्राणायाम, और आपका जो है मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज्ञा दीजिए, और अगर कोई प्रश्न है तो बताएं, नहीं तो हम चलते हैं। थैंक यू ऑल। एंड जी बताएं। हाँ, अभी मेरे को क्या है, डॉक्टर ने अभी वापस गई थी ना थायराइड के लिए, तो वो बोले अभी कल परसों कराया, उसमें लेवल बढ़ा नहीं है मेरा, और ये हिचकी आती है ना, तो वो बोलता है आप है ना थायराइड के और ज्यादा आगे एडवांस है ना वो कराओ। और उसके बाद में उसने मेरे को थायराइड स्कैन लिखाया अभी, तो वो टेस्ट तो करा देती हूँ, थायराइड स्कैन नहीं कराऊं फिर क्या करूं? नहीं, जो डॉक्टर बोल रहे हैं आप उसकी अपनी तसल्ली के लिए करा लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली जिनके थायराइड होता भी है अगर हम, तो उसके बाद फिर हम अपनी ये डाइट बताएंगे। और मैंने आपको ये बताया ही है, गले की लपेट आज सुबह भी लगाई थी मैंने, हाँ। गले में भी और छाती में दोनों लगा के सोई थी 40 मिनट। हाँ, तो बोले हिचकी रुक जाएगी आपकी, मतलब हिचकी का कारण यही है थायराइड, ये हार्ट का और नहीं है, थोड़ा कम तो हुई है लेकिन खाने को जी घबराता है ना, वो बोले ये करा के आओ फिर, और फिर हम देखते आगे। हाँ ठीक है, आप बिल्कुल डॉक्टर की, हाँ हाँ डॉक्टर की सलाह जो वो चेकअप कहते हैं आप जरूर कराएं, वो जरूरी है। और साथ साथ जो हम घर पे बताते हैं, आप लपेट का, खान पान का, फल खूब खाइए, आधा किलो पपीता खा जाइए सुबह ब्रेकफास्ट में कम हाँ, से कम। हाँ पपीते से ना मेरे को बहुत, मैंने बताया ना वॉमिटिंग जैसा लग रहा था अभी, हाँ, अच्छे नहीं आ रहे बम्बई में, तो मैं आप केड़ा संतरा मौसमी ये करीबन 300 ग्राम खा लेती हूँ सुबह। हाँ बस बहुत अच्छे, यही आप और सैलेड का, फ्रूट्स का, दलिया, खिचड़ी, हल्की चीजें, सूप पीजिए। तो इस तरह जो बनाए पपीता का कभी किसी का बना के, तो किसी का भी कद्दू का थोड़ा लेती हूँ, दोनों टाइम बना के लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। बस आप भोजन का क्रम बनाए रखें, और डॉक्टर की सलाह जो टेस्ट है वो आप करा लें जरूर। थैंक यू, ओके, थैंक यू ऑल एंड गुड बाय।